आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 एन आंट इज मूविंग अराउंड द फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन अ फ्लोर, ठीक है, एंड फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन सी इज इक्वल टू 2πr वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर एक चींटी है जो कि कुछ फूड पीसेस को, खाने के टुकड़ों को स्केटर फर्श पर बिखेर दिया गया है, ठीक है, फैला दिया गया है, और आपको ये बताना है कि किस फूड पीस को खाने में चींटी को सबसे लंबा रास्ता जो है ये जो है लॉन्गर राउंड, सबसे लंबा राउंड जो है लेना पड़ेगा। तो आपको इसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर आप जो सर्कमफ्रेंस का एक जो फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू 2πr, सर्कमफ्रेंस सी इज इक्वल टू 2πr होता है वेयर आर इज अ रेडियस, वेयर आर इज अ रेडियस, आर क्या है, रेडियस है। इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा समझना है और जानना है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो फूड पीस फर्श पर जिस तरीके से स्केटर्ड फैलाए गए हैं उन फूड पीस को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां हमारे पास जो है फर्स्ट थिंग क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड फिफ्थ क्वेश्चन द फर्स्ट फिगर, दिस इज द फर्स्ट फिगर, ये हमारा फर्स्ट फिगर है, और उसके बाद दूसरा हमारे पास जो है एक और हमारा फिगर है, ये सेकेंड फिगर है, दिस इज अ सेकेंड, और इसके बाद जो है तीसरा हमारे पास जो दिया गया है, यहाँ हमारे पास एक सर्कुलर पाथ यहाँ पर है, और ये आप यहाँ पर ये चीजें हमारे पास तीन फिगर है, सभी की रेडियस जो डायमीटर दिया गया है डायमीटर इज 2.8, दिस वैल्यू इज अ 2.8, दिस वैल्यू इज 2.8 एंड दिस वैल्यू इज 2.8, ठीक है, ये डायमीटर है। इस वाले फिगर में हमारे पास जो है यहां पर बोला गया है ये जो हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज अ सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो सेंटीमीटर एंड यहाँ भी दिस इज अ सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास जो है यहाँ पर ये दिए गए। अब इसमें बारी आती है सर्कमफ्रेंस की। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो सर्कल का जो पूरा पोर्शन होता है, पूरा राउंड फिगर, यानी कि सर्कल को एक राउंड कंप्लीट करने में जितना हमारा जो है लेंथ, यानी जितनी हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है सी इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। अब इसमें पाई क्या है, पाई इज इक्वल टू, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7, तो यहां पर वेयर पाई इज इक्वल टू, पाई इज इक्वल टू 22/7। अब यहां पर हमें एक चीज देखना है कि ये जो हमारे पास जो सर्कल का जो वो डिस्टेंस जो कि सेंटर से होकर के जाता है दो पॉइंट को मिलाता है, वो डिस्टेंस हमें क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। तो हमारे पास जो गिवन है डायमीटर, ये डी इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर, ये तो सबको समझ आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं तीन रास्ते हैं, ये हमारा जो है फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है और ये हमारा थर्ड है। हम बारी बारी से तीनों पाथ की डिस्टेंस को हम कवर कर रही है वो चींटी, उसको हम फाइंड करेंगे। तो यहां हमारे पास जो है हम लिखेंगे C is equal to 2 into 22/7 into R की वैल्यू 1.4। अब 7 से हम इसे कट करेंगे, ठीक है, तो 7 तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है यहां हमने देखा कि ये आपकी जो लेंथ है वो है 88.8 सेंटीमीटर। ध्यान से ना बच्चों, ये डिस्टेंस इसमें भी 8.8 सेंटीमीटर,
ये भी हमारा 8.8 सेंटीमीटर और ये भी डिस्टेंस हमारा 8.8 सेंटीमीटर है, ठीक है 8.8 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, पहले फिगर की निकालते हैं। हमारे पास लिखेंगे टोटल टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो आप टोटल डिस्टेंस देखिए, ये हमारा हो गया 8.8 सेंटीमीटर प्लस ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर, यानी अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पहले 2.8 सेंटीमीटर चली जाएगी, फिर इसके बाद यहां से 8.8 सेंटीमीटर आएगी, तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 11.6 सेंटीमीटर पहले वाले की लेंथ। पहले की लेंथ कितनी हो गई 11 पॉइंट हमारे पास जो दिया गया है, तो ये हमारा जो है 2.8 और ये 4. और सॉरी टू से हियर, ये तो हमारा पूरा सर्कल है। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हाफ सर्कल है, ये सर्कमफेरेंस होता है पूरे सर्कल का होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे सर्कमफेरेंस, इसके बाद लिखेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो सर्कमफेरेंस है वो क्या हो जाएगा 8.8 बाई में 2, क्योंकि पूरा राउंड जब होता है तो 8.8 होता है, हाफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास जो है ये 8 बाई 2, यहाँ भी बाई 2 लिखेंगे, यहाँ भी हम क्या है बाई 2 लिखेंगे। अब इसमें हमारे पास थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको हम जो है यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो अब ये हमारे पास हो गया दैट इज इक्वल टू 4.4 प्लस 2.8 दैट इज इक्वल टू 12 और यहां पर 7.2 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है इसका पहले वाले का पूरा कवर डिस्टेंस है, यानी हम दूसरे शब्दों में कहें द पेरिमीटर ऑफ फर्स्ट पार्ट, जो पहले चीटी जो है जो फूड पीस को खाने के लिए पूरा राउंड कंप्लीट करेगी वो डिस्टेंस है 7.2 सेंटीमीटर। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, फॉर सेकेंड वाले। अब देखिए बच्चों, ये आपका जो है ये डिस्टेंस हमारी जो है 2.8 यहां है, ये हमारे पास ये डिस्टेंस बाई में 2 बाई में 2, ये दोनों हमारे पास डिस्टेंस है, तो अब हम क्या करेंगे 1.5 ये 1.5, जितना साइड इधर है उतने साइड इधर है, ऊपर की डिस्टेंस हमारी 2.8 सेंटीमीटर और ये जो सर्कमफेरेंस है सेमी सर्कल का 8.8 बाई में 2, इसको हम लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हो गया 1.5 प्लस ये जो हमारे पास है 8.8 बाई में 2 प्लस ये हमारा डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर प्लस ये है 2.8 सेंटीमीटर। जितनी भी हमारी लेंथ है पूरे जो है उस फूड पीस को चलने में चींटी को डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, वो टोटल इतनी डिस्टेंस उसे कवर करनी पड़ेगी। किसी के मन में कोई भी डाउट है तो वो इस डाउट को क्लियर कर सकता है, वो इस डाउट को पूछ सकता है। अब हमारे पास हम इसको सिंप्लीफाई करें, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये हमारा है 1.5 प्लस ये हो गया 4.4 प्लस ये है 1.5 प्लस ये है 2.8, इन सबको हम ऐड करेंगे तो 1.5 कितना हो गया 3 हमारा वैल्यू, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू हो गई 3 प्लस ये जो है 4.8 प्लस 4.4 प्लस 2.8, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 7.4 प्लस 2.8, अब इसके बाद हम इसको भी ऐड करेंगे तो ये हो गया 10.2 सेंटीमीटर। ये जो दूसरा वाला फिगर है, इस दूसरे वाले फिगर को हम जो है ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से राउंड शेप में चीटी जाएगी, फिर यहाँ से फिर सीधे हो जाएगी, फिर ये शेप में पूरा जाएगी, फिर वापस आएगी, तो चीटी द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई वो डिस्टेंस है 10.2 सेंटीमीटर। अब बारी आती है हम जो है यहाँ पर थर्ड फिगर की बात करते हैं, ये थर्ड फिगर की बात करते हैं। थर्ड फिगर में पहले तो ये एक राउंड शेप है, फिर उसके बाद ये 2 सेंटीमीटर इधर है, फिर 2 सेंटीमीटर यहां है, यहां भी लिखेंगे टोटल डिस्टेंस
इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो गया 8.8 बाई में 2 प्लस, ये हो गया 2 प्लस, ये हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हमारे पास जो है ये हो गया 4.4 प्लस 2 प्लस 2, ये हमारी डिस्टेंस है। इन दोनों तीनों डिस्टेंस को हम जो है यहां पर पहले प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास 2 2 4 4 4 8 8.4 सेंटीमीटर इस वाले में चीटी को तय करने में, डिस्टेंस तय करने में जो हमें जो है दूरी का इतना डिस्टेंस कवर करे। अब बारी आती है बेटा कि हमें ये बताना है कि लॉन्गर विच वुड आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, सबसे लंबा रास्ता किसमें तय करना होगा। तो पहले वाले में आप देखिए मैं कुछ पूछूंगा, इसमें से जिन भैया से पूछूंगा वे बताएंगे इसमें कौन सा लंबा रास्ता सबसे कवर करना पड़ा। चलिए इसमें जिनको ये पता है वे बता सकते हैं कि इस पाथ में सबसे लॉन्ग रूट जो है कवर करना पड़ा है, फर्स्ट फिगर में, सेकंड फिगर में या थर्ड फिगर में, कौन बताना चाहेगा बेटा, रेज योर हैंड। अभी हमारे यहाँ पर दो भैया हैं, दोनों भैयाओं ने बता दिया कि जो है कि चलो भदौरिया यहाँ आ गई, एक भदौरिया भैया को मैं बुला रहा हूँ, वे बताएंगे और इसको यहाँ पर कवर करेंगे कि जो है किस वाले पार्ट में। हाँ समझाओ जो आप देख, इसमें स्टिक ले लो, स्टिक से मुझे ऐसे पकड़ के बताइए यहाँ पर कि जो है क्यों सेकेंड में सबसे लंबा रास्ता तय करना पड़ा। बोलिए सबसे लंबी दूरी इसमें कौन से चींटी तय कर रही है, सेकेंड वाले में, क्यों? हाँ पहला पाथ जो है 7.2 सेंटीमीटर का है, दूसरा पाथ कितने सेंटीमीटर का है, 10.2 सेंटीमीटर का है, और तीसरा पाथ कितने सेंटीमीटर का है, 8.4 सेंटीमीटर का है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सी है, 10.2 वाला, तो 10.2 वाले फिगर में चींटी को सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। किसी के मन में कोई डाउट है, चलिए आप सुनाने के दरवाजे में आ गया हूं, एक भैया और मैं बुला रहा हूं, ये भैया बताएंगे कि जो है फिर से इसी जो मेरा क्वेश्चन वही सेम है, आप रीजन बताइए कि जो है सेकंड फिगर में ही क्यों जो है चींटी को डिस्टेंस लंबा तय करना पड़ा। हाँ ऊपर गई फिर वापस आई, क्योंकि हाँ सबसे लंबा पाथ जो है सेकंड फिगर का था, इसलिए लंबा डिस्टेंस सेकंड फिगर में ही तय करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको? आप भी किसी को कुछ पूछना है इसमें तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, मैं उन्हें अनम्यूट करूंगा। किसी के मन में कोई भी डाउट है तो वे इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यस बेटा रेज योर हैंड। तो अभी हमारे पास जो है ये क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पर समझाया, और अभी हमारे पास कोई क्वेरी नहीं आ रही है, इसका मतलब कि जो है हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। अभी देर आर 23 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, संख्या भी धीरे धीरे क्योंकि स्कूल आने की खुशी में हमारे स्टूडेंट्स लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास में कुछ अपना इंटरेस्ट है, तो ये संख्या जो है 30-35 के आसपास होती थी, आज ये संख्या हमारी जो है 23 रह गई, तो इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है। तो बच्चों ये हमने जो है अपना एक क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया, इस एक्सरसाइज में हमारी जो क्वेरी थी वो एक्सरसाइज को हमने जो है यहाँ पर सबको दूर किया, ठीक है। अब बारी आती है हम अपने क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को पहले मैं समझाता हूँ, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और लिखना सबको कंपलसरी है, कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि जो है मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, सब लिखते ही चलेंगे। तो अगला है हमारे पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता क्या है, व्हाट इज ट्रेपेजियम? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में मैंने सभी को ट्रेपेजियम के बारे में बताया था, सभी को मैंने जो है समझाया था कि व्हाट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो होता है एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, जहां पर हमारे पास जो है दो साइडें इसकी जो है पैरेलल है, ठीक है, और ये हमारे पास दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज अ सेकंड,
दिस इज थर्ड एंड दिस इज अ फोर्थ, ये हमारे पास ये ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में जो है दो साइडें होती है, एक साइड इस ट्रेपेजियम में हमारी ए बी जो है इज पैरेलल टू बीसी के, ए बी क्या है बीसी के पैरेलल, ठीक है, ए बी हमारा बीसी के पैरेलल है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके पैरेलल। तो इसका होता है कि और इन दो पैरेलल लाइन के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब ध्यान देखना बच्चों, ये है एच, यानी इसको दूसरे शब्दों में परपेंडिकुलर हम हाइट बोलेंगे, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर हाइट कितनी है वो है एच, ठीक है। यहां से ये डिस्टेंस हमारी क्या है ए है, यहां से ये डिस्टेंस हमारी क्या है बी है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में यहां हो गया ए प्लस बी और इनटू यहां पर एच, ये हमारा क्या है ट्रेपेजियम की एरिया, ठीक है। यहां हमारे पास ए और बी क्या है द सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स का क्या है ये सम, यानी ये साइड हमारी पैरेलल है, ये साइड हमारी पैरेलल है, तो इस पहली वाली साइड की लेंथ ए है, दूसरे वाले साइड की लेंथ हमारी बी है, और उनके बीच की जो गैपिंग है वो कितनी है एच है, तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की एरिया होती है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो ये ट्रेपेजियम हो गया। तो ये हमारे पास जो है अगला जो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था रेक्टेंगल था और स्क्वायर था, रेक्टेंगल की एरिया भी सबको मालूम है, स्क्वायर की एरिया भी सबको मालूम है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी सबको मालूम है, स्क्वायर का पेरीमीटर भी सबको मालूम है, हम उन्हीं का यूज कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन में एक सर्कमफ्रेंस आ गया, सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल की जो पूरी बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक बेटा। अब हमारे पास जो ट्रेपेजियम को हम यहाँ पर समझते हैं, एक जो है जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल को हम जो है यहाँ पर समझ सकते हैं और दूसरे तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक रास्ता है, हम साथ ही साथ जो एक चीज और हम जानना चाहते हैं वो आपको हम बताएंगे। ये हमारा जो है नेक्स्ट अगला टॉपिक जिस पर हमें डिस्कस करना है, अगला टॉपिक ये कहता है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की बातें हम कर ले यहां पर कि एक ही हमारे पास जो दिया गया है इसको भी हम जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, ये कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि एक इसमें चार साइडें हैं, फोर साइडों से बाउंडेड रीजन है, ये हमारा दिया गया और इसका नाम यहां पर हम लिख देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये जो है हमारे पास जो है नाम दिया गया है। और यहां हमारे पास जो है हम इसको यदि हम यहां से एक इसके डायगोनल को मिला देंगे तो हमारे पास जो है दो ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान देखना बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल को मिलाने पर वो क्वाड्रिलेटरल जो है हमारे पास दो ट्रायंगल में बट जाता है, एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल को मिलाने पर क्वाड्रिलेटरल हमारा दो ट्रायंगल्स में बट जाता है, दोनों ट्रायंगल की अलग अलग एरिया निकाल करके यदि हम प्लस कर देंगे तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल की एरिया हमारी क्या होगी निकल जाए, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज, अगर मान लीजिए बाय चांस जो है यहां से इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है ये आप देखिएगा, ध्यान सुनना बच्चों, ये परपेंडिकुलर हाइट है और यहां से भी हमारे पास जो है ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये परपेंडिकुलर हाइट दोनों की दी गई,
ठीक है। अब मान लीजिए एक की परपेंडिकुलर हाइट जो है यहाँ पर इसे एच वन दिया गया है, दूसरे की परपेंडिकुलर हाइट एच टू दिया, तो हम बिल्कुल सेम ऐसे ही जो है एक फार्मूला हम बना लेते हैं कि अगर कहीं ऐसा होता है तो हम जानते हैं वन बाई टू इंटू एबीसी में बेस आपका एसी हो गया इंटू एच वन, यानी वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट का जरूर होना जरूरी है, तो हम लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास ये एसी हो गया और हाइट हमारा एच वन है। ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरा जो ट्रायंगल दिया गया है उसमें भी हम लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू एसी इंटू और हाइट हमारा क्या है एच टू, हाइट हमारा क्या है एच टू। अब देख रहे हैं कि दोनों ही टर्म में वन बाई टू कॉमन है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। दोनों ट्रायंगल जो है एक ही बेस पर है, एसी एसी उसको भी कॉमन निकाला जा सकता है। तो हमारे पास जो है हम इसको बोल सकते हैं यहां पर वन बाई टू इंटू एसी, एसी को हमने बाहर लिया तो हमें क्या मिला यहाँ पे एच वन प्लस एच टू, ये हमने कॉमन निकाल लिया। अब एसी क्या है, एसी आपका डायगोनल है, तो हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी डी इज इक्वल टू वन बाई टू, डायगोनल को हम डी से बता सकते हैं क्योंकि एसी क्या है डायगोनल है, तो इनटू हमारे पास जो है डी ब्रैकेट में एच वन प्लस ये क्या हो गया हमारा एच टू हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एक जो है आइडेंटिटी बन गया कि अगर उसकी जो है दोनों ट्रायंगल के परपेंडिकुलर हाइट दी गई है तो हम जो है वहां से उसे जो है इस फॉर्मूले के माध्यम से हम जो है इसे फाइंड कर सकते। ठीक है, दूसरा होता है कि एक जो है हमारे पास जो क्वाड्रेंट्रल है, ऐसे केस में कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है ये जनरल क्वाड्रेंट्रल, क्या है जनरल क्वाड्रेंट्रल, जनरल क्वाड्रेंट्रल, जनरल क्वाड्रेंट्रल कोई क्वाड्रेंट्रल ऐसा होगा यानी क्वाड्रेंट्रल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं मालूम है तो हम इस मेथड से उसकी एरिया को निकाल सकते। लेकिन जो है अगर हमारे पास यही जो है रोम्बस हो जाए यानी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेंट्रल हो जाए तो यहां पर हम लिखेंगे हियर, यहां एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, तो रोम्बस का हमारे पास जो है फिगर कैसा होता है, रोम्बस को जो है हम सभी जानते हैं, रोम्बस के सभी जो है हमारे साइड बराबर होते हैं, इनके डायगोनल्स जो है आपस में इक्वल होते हैं और आपस में बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है पहले वाले का हमारे पास हो गया D1 और दूसरे वाले डायगोनल का हमारा हो गया D2, ये हमारा पहला वाला डायगोनल है और दूसरा डायगोनल, डायगोनल मालूम है। तो ये होता है क्या, एरिया जो है 1 by 2 into D1 into D2। अगर हमारे पास रोम्बस दिया गया है और रोम्बस के दोनों डायगोनल दिए गए हैं तो हम उनकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए हमें जो है 1 by 2 into पहला डायगोनल into दूसरा डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी एरिया जो है मिल जाए। तो सिंपल वे में हम इसको फॉर्मुलेट कर दें, यहाँ पर ए बी सी डी तो इस तरह लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्रल ए बी सी डी इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास वन बाई टू इंटू ए सी इंटू यहाँ पर बी डी, तो ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला हो गया। चाहे आप ए सी इंटू बी डी बोलिए, चाहे ए सी को नाम दे दीजिए पहला डायगोनल डी वन और दूसरे डायगोनल को डी टू। इतनी बातें जिनको मैंने समझाई, किसी के मन में कुछ पूछना है तो वे जो है पूछ सकते हैं, किसी का मन में कोई क्वेरी है बेटा तो हैंड रेज करिए, हैंड रेज का ऑप्शन दबाइए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप जो है पूछ लेंगे तो आपको जो है ये कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत जो है तेजी से आगे बढ़ाने का कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। जो पूछना चाहते बेटा हैंड रेज का ऑप्शन प्रेस करिए, हैंड रेज का ऑप्शन प्रेस करिए, और अभी बहुत से भैयाओं की वीडियो भी ऑफ है और बहुत से भैया ने जो है ऑडियो भी जो है ऑडियो उन्होंने इनेबल किया ही नहीं है,
केवल वीडियो वीडियो उनकी दिखाई दे रही है, जुड़े हुए हैं कुछ भैया हैं जिनसे, इनका नाम मैं बता रहा हूँ, ये जो है श्लोक चौधरी हैं, अभिनव चौधरी हैं, गौरांश कुमार हैं और तेजस चौधरी हैं। ये लोगों ने ऑडियो इनेबल ही नहीं किया है, न वो हमारी ऑडियो सुन रहे हैं न मैं उनकी ऑडियो सुन रहा हूँ, तो ऑडियो इनेबल भी नहीं है। मोबाइल चाहे जो भी डिवाइस में आप जो है जूम क्लास से कनेक्ट हुए हैं, आपकी ऑडियो इनेबल नहीं है, वे आप केवल बस अटेंडेंस के लिए ये लोग कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। बाकी जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिनकी वीडियो ऑफ है, वो है अभिनव गुप्ता हैं, अक्षय वार्ष्णेय हैं, हार्दिक भट्ट, इसमें जतिन सिंह, मनन मिनोचा और साथ ही साथ विद्धिकरण कुमावत, सक्षम अग्रवाल और श्लोक मिश्रा और तन्मय मेलकानी और वंश राजपूत, इन सभी लोगों की वीडियो भी ऑफ है। तो जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो पढ़ाई के समय एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि आप बताते रहें, आप कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई करते रहें। मैं जो है मेरा तो 35 मिनट 40 मिनट का हमारे टाइम है, हम उसमें कवर हो जाता है, लेकिन जो है आपको आपके पास कितना पहुंचा ये हमें कैसे मालूम चलेगा। जब तक हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक तो ये हमें मालूम ही नहीं चल सकता, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कुछ तो रिप्लाई करें, कम से कम हैंड रेज का ऑप्शन तो दबाएं। तो ये ट्रेपेजियम और रॉम्बस के बारे में जो है पहले से जिन्हें मालूम है वो अपने हाथों पर कर सकते हैं, हैंड रेज का ऑप्शन। चलिए अभिनव गुप्ता आप नहीं सुन पा रहे बेटा, अभिनव गुप्ता अभिनव गुप्ता की आवाज नहीं आ रही है। क्रिस चिल्लर आप नहीं सुन पा रहे हैं, ईशान कामपाल सर सुन पा रहे हैं। अच्छा बेटा, तो आप बताएंगे ट्रेपेजियम और रॉम्बस में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉम्बस। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हाँ बेटा, वही मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रेपेजियम और रॉम्बस में क्या डिफरेंस है। चलिए ईशान कामपाल आप सुन पा रहे बेटा, पहल सुन पा रहे हैं आपको, सुनाई दे रहा मेरी आवाज बेटा। ईशान यस सर, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। जो मैंने आज पढ़ाया आपको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, प्रियांशु जोशी? यस सर। जो मैंने आज बताया वो आपको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। ओके ओके, तो ये जो है अभी देखिए, जब मैं क्वेश्चन करने लगा तो अभी हमारी संख्या और मिनिमाइज होती जा रही है, 18 स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। एक्चुअली क्या लास्ट में जो बचते हैं वे ही पढ़ने वाले होते हैं, बाकी केवल अटेंडेंस के पर्पस से आते हैं और उनका अटेंडेंस लग जाता है, ये सोचते हैं मेरा काम हो गया, अब मैं चलना चाहिए, तो ये जो है थोड़ा ठीक नहीं है। इसके बाद जो बात करते हैं बेटा कि अब हमारा जो है, हमें किसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, जैसे पॉलीगन्स है, अभी तो बात हो रही थी ट्रायंगल की, ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 × बेस × हाइट होता है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल में हम बात करें, क्वाड्रिलेटरल के काइंड के बेस पर हम जो है उसकी एरिया को फाइंड करते हैं। रोम्बस है तो रोम्बस में हमारा डायगोनल का फार्मूला लगेगा, जनरल क्वाड्रिलेटरल है तो जनरल क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल में बांट करके उसकी एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके उसके एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड करके हम उसकी एरिया निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटरल के काइंड्स है, ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम की एरिया मैंने यहाँ पर लिखवा रखी है 1/2 × सम ऑफ द पैरेलल साइड × डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मेंसुरेशन में बेटा इन सब जब तक हम जो है अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे, जब हमारे पास फिगर आइडेंटिफाई हो जाएगा तभी तो कोई आप फार्मूला उसमें अप्लाई कर पाएंगे।
जब आप उसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक जो है आप उसमें सोच ही नहीं सकते उसमें कौन सा फार्मूला है। अगर ट्रायंगल में रेक्टेंगल की आइडेंटिटी अप्लाई की जाए या रेक्टेंगल में ट्रायंगल की आइडेंटिटी अप्लाई की जाए तो कभी पॉसिबिलिटी सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कहां पर हमें वर्क क्या करना है, इसलिए हम आपको हर एक पॉइंट को आपको यहां पर डिस्क्राइब, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि पॉलीगन्स, तो पॉलीगन्स को हम जो है कई रूप में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और हम आपको जो है थोड़ा सा एक फिगर बना के मैं दिखा रहा हूँ, उस फिगर को थोड़ा आप समझिएगा कि अगर पॉलीगन दिया गया है तो उस पॉलीगन को हम कैसे जो है एरिया उसकी फाइंड करें। तो यहां हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अभी हमारे पास एक पॉलीगन है, फिर पेंटागन मान के चलिए, एक हमारे पास मान लीजिए कि ऐसा पॉलीगन है, ये दिस एंड दिस, फिर इसके बाद दिस, फिर दिस, फिर इसके बाद। अब हमें इसकी एरिया को फाइंड करना है, तो एरिया को फाइंड करने के लिए इस पॉलीगन का मान लीजिए कि ये ए नाम दे दिया हमने, दिस इज बी है, दिस इज सी है, दिस इज डी है, ई है और ये एफ। तो हमें अगर इसकी एरिया को फाइंड करना है तो अभी हमने कहीं भी पेंटागन, हेक्सागन ऐसे किसी भी पॉलीगन की एरिया का कोई भी आइडेंटिटी हमने आपको नहीं लिख पाया, ठीक। तो अब आपको जो है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। तो ए से हम डी को पहले ज्वाइन करें, इस फिगर को दो पार्ट में बांट लें, ठीक है। बी पॉइंट से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एफ पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ई पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितने पार्ट इसके हो गए, तो ये हमारा हो गया, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, दिस इज अ सेकेंड पार्ट, दिस इज अ थर्ड पार्ट, दिस इज अ फोर्थ पार्ट, दिस इज अ फिफ्थ पार्ट एंड दिस इज अ सिक्स्थ पार्ट। ये सिक्स पार्ट में डिवाइड। अब सभी के मैं नाम बता देता हूं। देखिए क्या होता है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर लाइनें जो होती हैं सेम बेस पर पैरेलल होती हैं, तो सेम बेस पर पैरेलल होती हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेटरल है जिसमें हमारे पास जो है दो अपोजिट साइड जो है हमारी पैरेलल है तो वो एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, और ये ट्रेपेजियम की जो आइडेंटिटी हमने यहाँ लिखवा रखी है इस आइडेंटिटी को हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों, ये मान लीजिए हमारे पास जो है ये H1 है, ये H2 है, ये हमारे पास ये H3 है और ये H4। तो ऐसे ही हमारे पास, तो हमारे पास ये कितनी एरिया हो गई, इसका भी नाम लिख देते हैं, ये हमारा हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया O, इसका नाम हम D दे देते हैं। तो हमारे पास जो पहला फिगर है नंबर वन, एरिया ऑफ ए एम बी, ट्रायंगल ए एम बी। दूसरा हमारे पास जो फिगर है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ओ एन। तीसरा हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। चौथा हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन एफ। पांचवा हमारे पास है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एन पी ई एफ। और छठा हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी ई। अब ये हमारे पास सिक्स पार्ट है, इन सिक्स के एरिया को अगर मैं अलग अलग निकाल करके, ट्रायंगल की एरिया होती है वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस और हाइट हमें मालूम होने पर हम इसकी एरिया को फाइंड कर सकते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये ट्रेपेजियम है, वन बाय टू इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हम यहां से निकाल सकते हैं सबकी एरिया को बारी बारी से। जहां ट्रायंगल है वहां ट्रायंगल की एरिया अप्लाई करिए, जहां हमारा क्वाड्रिलेटरल है वहां क्वाड्रिलेटरल की एरिया अप्लाई करिए, और हम उसके अकॉर्डिंग हम सबकी एरिया को अलग अलग छोटे पार्ट में हम निकालते हैं। अब मुझे अगर बड़े से पूरे पॉलीगन का हमें एरिया फाइंड करना है तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ यहां पर ए बी सी डी ई एफ और यहां पर ए इज इक्वल टू, तो एरिया हमारे पास फर्स्ट प्लस एरिया हमारी सेकेंड प्लस एरिया हमारी थर्ड प्लस एरिया हमारी फोर्थ एंड प्लस एरिया हमारी फिफ्थ और प्लस एरिया हमारी जो है सिक्स, ठीक है। ये सभी एरिया को जैसे हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है ये सारी एरिया जो है हमारी निकल जाए। इसमें किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो ये पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट है बेटा?
तो अब हम एक काम कर रहे हैं, आप सभी एक बार थोड़ी अपनी वीडियो ऑन करें, सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को ऑन करिए, सभी स्टूडेंट्स वीडियो ऑन करिए, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की वीडियो ऑफ है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू भी चल रहा है, सभी वीडियो ऑन करें। एक एक्टिविटी है, आप लोग क्या करेंगे, अपने घर पे जो भी आपके यहाँ जो स्टडी टेबल है जिस पर आप बैठ करके पढ़ाई करते हैं, वो स्टडी टेबल का शेप अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उस स्टडी टेबल की आपके जो है टॉप सरफेस की आपको एरिया फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करके आपको जो है चेक कराना है, बताना है। कल मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने अपने घर पे जितने भी टेबल हैं उन सभी टेबल्स की एरिया फाइंड की, और वो फाइंड की तो एरिया कितनी आई, ये आपको हमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटा सा काम है, जब तक कोई चीज आप जो है प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक जो है उसके बारे में आप इसे समझ नहीं पाते, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इस काम को कल करके का आप लोग रखें और नेक्स्ट हम इस पर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। ओके बेटा।